वहीं मिनी माता दिवस समारोह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सांसद मिनी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अच्छा, तो सीएम हाउस से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल जुड़ रहे हैं। प्रदेशवासियों को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने पहले मिनी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की उनकी पुण्यतिथि पर, उसके बाद अब वो कुछ देर बाद सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे। का जन्म असम में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ थी। 47वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है और उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकारी और सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ रहे हैं। पहली महिला सांसद मिनी माता ने मानव कल्याण, नारी उत्थान, किसान, मजदूर, छुआछूत कानून, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला शिक्षा और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्हीं के इन सभी योगदानों को याद किया जा रहा है। विशेष कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उनकी पुण्यतिथि पर, 47वीं पुण्यतिथि पर कर रही है। हमने देखा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने पुण्यतिथि पर मिनी माता को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और मिनी माता की स्मृति में वातानुकूलित भवन का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर कर दिया है। डिजिटल लोकार्पण उन्होंने वहां पर किया रिमोट की बटन दबाकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कोविड-19 को लेकर इस तरीके के आयोजन हम अब देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। मिनी माता स्मृति में वातानुकूलित भवन का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया है। पहली सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर ये वातानुकूलित भवन का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया। मुख्यमंत्री जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आवाज आ रही है अभी खंडे जी। खंडे जी इससे पहले हमने देखा था राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी मिनी माता को याद कर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनका कहना था कि मिनी माता के कार्य सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी मिनी माता को दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
आज के योजक श्रीमती सकुंड हेरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय के पी सिंह हेरिया जी, महासचिव विशिष्ट अतिथि आदरणीय एजाज ढेबर जी, अध्यक्ष डी एस पात्रे जी, संयोजक श्रीमती सकुंड हेरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय के पी कंडे जी कंडेल जी, महासचिव अध्यक्ष वैष्णवी जी, प्रदेश अध्यक्ष मेगा प्रकोष्ठ डी एस पात्रे जी, भतपहरी जी, सचिव जे आर बाघमारे जी, हासीदास साहित्य एवं संस्कृति भाई चेतन एवं समस्त जी, समाज के सब साथी, जिला अध्यक्ष भाई सुंदर जोगी जी, उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उमा भतपहरी जी, आज हम सब गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी एवं समस्त सतनामी समाज श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज माता जी हम सब मिनी माता जी को बहुत ही छत्तीसगढ़ आदर और श्रद्धा पूर्वक बहुत ही कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं मिनी माता जी, क्योंकि के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ पूरा जीवन बहुत ही समाज के श्रद्धा पूर्वक उत्थान स्मरण कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकार दिलाने में उन्होंने पूरा जीवन उनका जीवन समर्पित रहा समाज के ऐसे ममती ममतामयी माँ और हम बार बार महिलाओं के अधिकार दिलाने में करते हैं। उनका जीवन समर्पित रहा माता जी अपने पति के साथ ममती तो चलिए बढ़ेगी आगे। छत्तीसगढ़ में राजीव किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान बोनस की दूसरी किस्त देने के लिए सरकार 1300 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। इसके लिए सरकार प्रतिभूतियों को नीलाम कर रही है। इस साल का ये पहला कर्ज है। सरकार 12000 करोड़ तक कर्ज ले सकती है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त देने का ऐलान किया था। इससे पहले सरकार ने 4 साल की प्रतिभूति की नीलामी करने का फैसला किया है। जिस दिन सरकार किसानों के बैंक खाते में राशि का भुगतान करेगी उसके दूसरे दिन तीजा पर्व है। इसके बाद गणेश चतुर्थी है। किसानों को त्योहारों से पहले राशि की मांग किसान कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने फैसला लिया।